नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और महाराज जी की असीम कृपा से आप सभी का जीवन मंगलमय हो। साथियों, यूं तो महाराज जी की आपने अलौकिक लीलाएं, उनके दिव्य लीलाएं आपने बहुत सारी सुनी होंगी, जिसमें वो भक्तों की समस्याओं का निदान करते हैं, अपने भक्तों के कष्टों के लिए दौड़े चले आते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो शायद आप में से कम लोग जानते हों, और इस बात का आज भी महाराज जी साकार स्वरूप रखते हैं। यह बात है महाराज जी का सदैव दिव्य सुगंधित रहना। बाबा के शरीर से एक नैसर्गिक सुगंध आया करती थी, बड़ी दिव्य सुगंध होती, खास तौर पे तब जब महाराज जी मौज में हुआ करते थे। यह सुगंध ऐसी होती थी जिसकी तुलना किसी अन्य सुगंध से नहीं की जा सकती, एकदम अनुपम, एकदम अतुलनीय, एकदम मुग्धकारी। एक बार आपने इसका एहसास कर लिया, आप वहीं थम जाओगे, आपका मस्तिष्क काम करना बंद कर देगा, आपका मन वहीं रुक जाएगा। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस वीडियो में अंत में मैं आपसे एक अपना भी अनुभव साझा करूंगा जो 2 वर्ष पूर्व मुझे हुआ था, और यही दिव्य सुगंध का आभास हुआ था। इससे पहले हम आगे बढ़े, आप सभी से गुजारिश है कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँच सकें। तो आइए बिना देरी करे शुभ अंक को शुरू करते हैं। साथियों, महाराज जी की दिव्य सुगंध का लखनऊ की श्रीमती शांता पांडे और उनके पति श्री ललित को प्रथम तो अपने घर में ही एहसास हुआ था जब बाबा भोर में 4 बजे उनके घर से विदा हो रहे थे और यह दंपति उनका हाथ पकड़े सीढ़ियां उतार रहे थे। उस समय एक ऐसी दिव्य सुगंध का अनुभव उन्हें हुआ जो उन्होंने कभी भी पहले महसूस नहीं करी थी, और ऐसी अनुभूति श्रीमती शांता पांडे को तब हुई थी जब वे केदार यात्रा के दौरान हनुमान चट्टी में थे। उसके बाद एक निर्जन से साधारण मंदिर में भी हुई जहाँ न दिया जल रहा था न ही कोई धूप बत्ती थी, क्योंकि अगर कहीं दिया हो, धूप हो, हवन दो, तब तो आप कह भी सकते हो कि हाँ, दिव्य सुगंध का कहीं तो स्रोत है। यह अलौकिक सुगंध केदारनाथ यात्रा के दौरान काफ़ी दूर तक उनका पीछा करती रही। उस नैसर्गिक शांत वातावरण के मध्य शांता जी के मन में विचार आया कि काश बाबा जी के दर्शन मिल जाते, और यह विचार आते ही सबसे पहले उन्हें बाबा ने अपूर्व सुगंध का एहसास कराया। फिर पास स्थित एक गुफा के द्वार पर श्वेत वस्त्रों में लिपटे एक लंबे तगड़े साधु के वेश में अचानक प्रकट होकर दर्शन दिए। परंतु इससे पहले शांता जी और उनके साथ के आए यात्री उस गुफा में जाकर ये देख चुके थे कि वहाँ कोई नहीं था। फिर अचानक एक साधु का वहाँ प्रकट हो जाना बड़ा ही दिव्य अनुभव था। वो महाराज जी का सिर्फ दर्शन कर पाए, बात करना चाहते थे, तभी महाराज जी अंतर्ध्यान हो गए। ऐसे ही आगे चलकर कुछ समय पश्चात जब शांता जी महाराज जी के यहाँ पर आश्रम में थी तो उन्होंने बाबा जी से कोई चमत्कार दिखाने का हट किया। महाराज जी ने मुस्कुराकर अंगूठे से अपनी हथेली रगड़ी और वही अलौकिक दिव्य सुगंध चारों ओर फैल गई और शांता देवी उसमें मन से डूब गई। ऐसे ही एक दिन इलाहाबाद में दादा के घर भी बाबा ने ऐसी सुगंध बिखेरी थी जिससे घर का कोना कोना तो गमक ही उठा था, बाहर राह चलते लोग भी सुगंध का महसूस कर रहे थे। इसी तरह की एक दिव्य घटना 1964 में श्रीमा और जीवंती माँ के साथ बद्रीनाथ में भी घटी। महाराज जी इन लोगों को धर्मशाला में छोड़कर कहीं चले गए थे। जब काफ़ी देर तक नहीं लौटे तो ये लोग उन्हें खोजने चल पड़े। माताएं महाराज जी को गुफाओं तथा कंदराओं में खोजते खोजते जब एक कमरानुमा बड़ी गुफा में गई तो वहाँ एक कोने में ध्यानस्थ बाबा आसन जमाए बैठे थे। वह स्थान अत्यंत निष्कृष्ट था, चारों ओर खचरों और भेड़ बकरियों की गंदगी फैली थी, जानवरों के मलमूत्र से जमीन गीली थी, लेकिन वो समाधिस्थ बाबा को इन सब की कोई चिंता नहीं थी। जैसे ही दोनों माताओं ने गुफा के भीतर कदम रखा, उन्होंने गुफा को उसी दिव्य सुगंध से भरा हुआ पाया। इस नैसर्गिक सुगंध से दोनों ही आश्चर्यचकित रह गई। यह अलौकिक सुगंध महाराज जी के शरीर से, उनके कंबल से, उनके वस्त्रों से और उनके बिस्तर से अक्सर उठा करती थी। बाबा महाराज कहते हैं कि जब वो मौज में हुआ करते हैं तो यह प्रकृति उनके लिए आनंदित हो उठती है, और प्रकृति अपनी दिव्य सुगंध महाराज जी को स्रोत बनाकर उनके द्वारा जगत में बिखेर देती है। तो आइए मैं आपको भी अपना एक अनुभव सुनाता हूँ जो महाराज जी के दिव्य सुगंध से ही जुड़ा है। यह बात 2 वर्ष पूर्व की है। उसमें साथियों, मैं रोज़ सवेरे अपनी बाइक से अपने बिजनेस के कार्य के लिए जाया करता था। तो एक रोज़ मेरी माताजी ने मुझे एक रोटी दी और कहा कि रास्ते में कोई गाय मिले तो उसे दे देना। तो मैंने सोचा कि गाय तो कहीं भी मिल जाएंगी, यह सोचकर मैंने रोटी ले ली और मैं निकल पड़ा। परंतु उस दिन काफ़ी दूर निकलने पर भी मुझे रास्ते में कहीं कोई गाय नहीं दिखाई दी। आगे जाकर मध्य रास्ते में एक चौराहा पड़ता है। उस चौराहे पर जब मैं पहुंचा तो मैंने देखा बाईं ओर वहां पर एक चरवाहे ने बहुत सारी गायें खड़ी कर रखी हैं, साथ में उसने चारा रखा हुआ है ताकि आते जाते लोग वहां पर धर्म का कार्य करें, गाय को चारा खिलाएं। मैंने सोचा कि चलो इन्हीं गाय को मैं रोटी दे देता हूँ। तो मैं मुड़कर जब उन गायों के पास पहुंचा और मैंने जो सर्वप्रथम एक गाय जो आगे की तरफ अपना मुंह कर रही थी उसे रोटी खिलाई, तो कुछ ऐसा हुआ कि वहां पर गायों का बहुत ज्यादा गोबर बिखरा पड़ा था जिसकी बड़ी ही अजीब सी सुगंध आ रही थी, या यूं कहिए दुर्गंध आ रही थी। तो मुझे बड़ा ही अजीब अनुभव हुआ और मेरे मन से ऐसा निकला कि महाराज जी इन गायों के गोबर से कितनी बदबू हो रही है। यह सिर्फ एक विचार की तरह मन में कोंधा था, और मैं अपनी बाइक स्टार्ट करके ज्यों ही उस चौराहे से पार निकला
उसी समय मुझे एक दिव्य सुगंध का एहसास हुआ, इतनी दिव्य सुगंध जैसे मैं फूलों की घाटी में खड़ा हूँ। मुझे लगा कि कहीं यहाँ कोई मंदिर या कोई फूलों का बड़ी दुकान तो नहीं है, तो मैंने तुरंत बाइक रोककर चारों तरफ अपनी नजर दौड़ाई। वहां पर कोई भी मनुष्य नहीं था, कोई ऑटो नहीं था, कोई गाड़ी नहीं थी, कोई दुकान नहीं थी, कोई भी मंदिर, कोई फूलों का कुछ नहीं था। मैंने जब दोबारा उसे अनुभव करने के लिए फिर से गहरी सांस ली, मुझे फिर से वही दिव्य सुगंध का एहसास हुआ। और तभी मेरे मन में मेरे प्रश्न का उत्तर मिला कि मैंने कुछ समय पहले ये बात कही थी कि महाराज जी गाय के गोबर से कितनी दुर्गंध आ रही है, तो महाराज जी ने प्रकृति के नियम ही बदल दिए और जहाँ दुर्गंध आ रही थी वहाँ पे अलौकिक सुगंध बिखेर दी। वो सुगंध मैं कभी नहीं भूला, न कभी भूल सकता हूँ, और जब याद करता हूँ तो आंखों में अश्रु आ जाते हैं। मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि महाराज जी का स्नेह, महाराज जी का प्रेम बहुत गहरा है। आप जितना प्रेम महाराज जी से करते हैं, आपसे अनंत गुना प्रेम महाराज जी करते हैं। आप सोचिए कि आप महाराज जी के लिए क्या करते हैं। आप महाराज जी के लिए वास्तव में कुछ नहीं करते हैं। हम मनुष्य कुछ कर ही नहीं सकते, परंतु हमारे लिए महाराज जी सर्वसमर्थ हैं। वो सब कुछ करते हैं, हमें बड़े से बड़े कष्टों से निकालते हैं। और महाराज जी के लिए कोई भी कष्ट, कोई भी भक्ति की परेशानी उनके लिए बड़ी नहीं है। आपकी छोटी से छोटी घटना का वो ख्याल रखते हैं और आपके साथ बड़ी से बड़ी दुर्घटना का भी वो ख्याल रखते हैं। यह वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप सभी महाराज जी का जो प्रेम है, जो स्नेह है, उसमें अपना निस्वार्थ भाव रखें। कभी उसमें आप अपनी कोई चतुराई, कोई चालाकी ना दिखाएं, क्योंकि देखिए भक्ति प्रेम से पाई जाती है। हाँ, आप अगर महाराज जी को किसी रूप में देखते हैं, जैसे कि आप किसी गुरु के रूप में देखते हैं या किसी अपने बड़े बुजुर्ग के रूप में देखते हैं, अपने दादा, अपने पिता, अपने भाई, अपने मित्र के रूप में देखते हैं, आप महाराज जी से खुल के कहिए आपको जब भी कोई संकट हो, जब भी कोई परेशानी हो, आप उनके चित्र के सामने एक बार कहेंगे, वो बात उन तक पहुँच जाती है। वो आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रकृति के नियम बदलने का सामर्थ्य भी रखते हैं, और ऐसा किया है, उन्होंने अनेकों बार किया है। मैंने भी निजी अनुभव बहुत किए हैं और बहुत से लोगों ने किए हैं। बस आपसे ये निवेदन है कि आप महाराज जी हनुमान जी की जो भक्ति करें, वो सह प्रेम करें, सह हृदय करें, अपनी आत्मा से करें, वो आपको आगे बढ़कर बहुत कुछ देंगे। तो साथियों, आशा करते हैं आपको ये वीडियो और अपना निजी अनुभव जो साझा किया है वो आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, ताकि अन्य लोगों तक भी महाराज जी का कथा प्रसाद पहुँचे। मिलते हैं जल्दी एक और शुभ अंक के साथ। तब तक अपना और माता पिता का ख्याल रखिए और प्रभु श्री हनुमान जी और महाराज जी के निस्वार्थों का सेवा करते रहिए। जय सियाराम।